जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में सांसद मेनका संजय गांधी ने नागरिकों को दी बड़ी राहत। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिला सतर्कता और निगरानी समिति दिशा की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर के नागरिकों व व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोविड-19 संक्रमण के चलते पिछले एक पखवाड़े से पूर्ण लॉकडाउन का दंश झेल रहे नगरवासियों के बाधित मार्गों व बंद नगर को सांसद मेनका संजय गांधी ने जिला अधिकारी को तत्काल खोले जाने के लिए निर्देशित किया। पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सांसद ने बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि नगर में मास्क को लेकर नागरिकों से अवैध वसूली न की जाए। सांसद ने नगर क्षेत्र में फर्जी पत्रकारों के द्वारा अवैध वसूली को लेकर जिला अधिकारी को कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए हैं। कोविड-19 के चलते 5 माह बाद क्षेत्र भ्रमण पर आई सांसद मेनका गांधी ने बैठक के दौरान बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता, उप कृषि निदेशक, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, DPRO समेत कई विकास अधिकारियों को संतोषजनक कार्य पाए न जाने पर कड़ी फटकार भी लगाई। बैठक में पूर्व सांसद मेनका संजय गांधी ने सांसद निधि से निर्मित 2,10,92,000 की लागत से निर्मित 32 संपर्क मार्गों का लोकार्पण व 39,95,000 की लागत से निर्मित होने वाली 4 संपर्क मार्गों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सिंधुमती, पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना, CDO अनुत्वत समेत समस्त विभागों के जिला स्तरीय विकास अधिकारी मौजूद थे। निर्णय लिए गए, खास तौर से क्या जवाब? देखिए, काम शुरू फिर से करने की जरूरत थी, इसीलिए तो मैं खास आई हूँ। चाहे कोविड यहाँ हो या ना हो, ये मेरा दायित्व है, दिया गया है काम चालू करवाने के लिए। और अभी आप जो काम धीमे हो गया था या खत्म हो गया, जो शुरू नहीं, मतलब चल नहीं रहा था, वो सब काम फिर से बहुत तेजी से होगा। ये सवाल आप मुझे 40 दिन में पूछे। अब आज के बाद मैं हर दूसरे दिन हर एक मंडल से मैं हिसाब लूँगी, ये कंप्यूटर के जरिए, और बात करूंगी लोकल लोगों से कि उनकी क्या तकलीफ है। आज सुबह से भी आप देख रहे हैं कि 100 लोग आए हैं, और हर एक डिपार्टमेंट, अब हर मैं 20 दिन आऊँगी, और हर 20 दिन पर 2-2 डिपार्टमेंट को लिया जाएगा कि उन्होंने क्या काम किया है, जब तक अगले दिशा की मीटिंग ना हो। आज कितने का प्रस्ताव पास हुआ इस मीटिंग में? इसमें प्रस्ताव का सवाल नहीं था, इसमें निगरानी का सवाल था कि कितना हुआ, कितना नहीं हुआ है, जो काम होने चाहिए थे वो क्यों आहिस्ते हुए हैं, ये आपने खुद देखा है, ये कोई छुपी चीज़ तो नहीं थी। मिली आपको नलकूप वाली? आप इतने दिन दूर रहीं, क्या महसूस किया लोगों से और किस तरह से जुड़ी रही? मैं जुड़ी इस तरीके से रही कि जो लोग बाहर थे उन सब का ख्याल हमने रखा, जो वापस आ रहे थे उन सबके तक खाना पहुंचाना, सबके किट्स मिलाना। मैं कभी एक मिनट के लिए भी सुल्तानपुर से दूर कभी थी नहीं, और रोज़ मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, खास करके बिजली की, तो उसको काम करवाना, तो ये है ही नहीं कि मैं दूर थी। जिस जगह पे आप खड़ी हैं, बिजली का जिक्र आपने किया, कहना पड़ेगा ईटी नगर के इलाके में है, यहाँ पर स्थितियाँ दिन में 50 बार लाइट ट्रिप होती है। DM साहिबा ने भी बहुत तगड़े पन से बोला, वो इतना विषम स्थिति है कि यहाँ के ग्रामीण अंचलों की सारी व्यवस्थाओं डिस्टर्ब करती है, सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती है। तो मैंने कहा ना, नलकूप, बिजली, ये दोनों जगह हैं, लेकिन इस पर अभी हम काम करते हैं। एक समस्या और है, करीब 1.5 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर आए हैं जिले में, उनके रोजगार के लिए। एक तो आपके सामने आपने देखा, मैंने बोला कि सबको मुद्रा योजना की व्यवस्था की जाए, दूसरा मनरेगा में बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किए गए हैं, और तीसरा अगर आप ये MSME के ये 14 जगहों में जा करके ये इनको समझा देंगे कि MSME में क्या उनको आवंटित किया जा सकता है। आज सुबह का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने किया है और जो हुआ है मेरे आने के बाद, वो है कि शहर अब खुल जाएगा, ये जो फाइन्स लेना बंद हो जाएंगे। तीसरा, रात को जो बसें चके आते हैं, जो उनको आना है उनको तंग नहीं किया जाएगा, और अभी जो कोविड का जो बंदा है वो अपने घर में सीमित रहेगा, लेकिन पूरे मोहल्ले को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग शुरू करें अपनी ज़िंदगी फिर से, ठीक है? मैम, एक चीज़ ये बता, बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी